नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, माँ दुर्गा का छठा रूप देवी कात्यायनी का है। देवी का यह स्वरूप बहुत ही करुणामयी है। देवी पुराण से पता चलता है कि कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी नाम से जाना गया। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की ही पूजा की जाती है। माँ के कात्यायनी रूप की बात की जाए तो माँ का शरीर सोने जैसा सुनहरा है। इस रूप में माँ की चार भुजाएं हैं और माँ सिंह पर सवार हैं। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। माँ कात्यायनी के अन्य दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। देवी कात्यायनी के नाम और जन्म से जुड़ी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं के नाम पर कात्य गोत्र विश्व में प्रसिद्ध हुआ। इसी कात्य गोत्र में एक महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने कई वर्षों तक माँ भगवती की बड़ी कठिन उपासना की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर एक पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। जब दानव महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने तेज का अंश देकर एक देवी को उत्पन्न किया। देवी कात्यायनी का जन्म देवताओं और ऋषियों के कल्याण के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में पुत्री के रूप में हुआ था। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इनकी आराधना और उपासना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा से वैवाहिक जीवन की अच्छी शुरुआत होती है। जिसकी भी शादी में बाधा आ रही हो तो उसे माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा सूर्य अस्त के समय ही की जाती है। माँ को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ को शहद भी अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा माँ कात्यायनी की विधि पूर्वक पूजा से कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। माँ कात्यायनी की पूजा से राहु से होने वाले काल सर्प दोष भी दूर होते हैं। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए शहद और मीठे पान का भोग लगाया जाता है। माँ को लौकी का भी भोग लगाया जाता है। नवरात्र के छठे दिन लाल रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग शक्ति का प्रतीक है और माँ का प्रिय रंग भी माना जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिससे सभी सिद्धियों की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। जय माँ कात्यायनी।